नमस्कार, मैं आंचल शर्मा हिमाचल अपडेट से आपका स्वागत करती हूं। प्रदेश के वन मंत्री राकेश पठानिया अपने एक दिवसीय दौरे को लेकर करसोग पहुंचे, जहां स्थानीय जनता द्वारा वन मंत्री राकेश पठानिया का जोरदार स्वागत किया गया। वहीं वन मंत्री ने करसोग के खील में स्थानीय विधायक हीरालाल के साथ पौधारोपण किया। तत्पश्चात वन मंत्री ने खील स्थित विश्राम गृह का पूजा अर्चना सहित विधिवत रूप से उद्घाटन किया। तत्पश्चात उपस्थित जनता को संबोधित किया गया। वन मंत्री राकेश पठानिया के पास स्थानीय जनता की समस्याएं व मांगे रखी गई। वन मंत्री राकेश पठानिया ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि विधायक हीरालाल द्वारा जो करसोग की जनता की मांगे रखी गई उनको मैं पूरा करने का आश्वासन देता हूं। वह वादा करता हूं कि जल्द ही सूबे के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ मिलकर मांगों को पूरा किया जाएगा। और सबसे ज्यादा जंगल वाला क्षेत्र, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट वाला क्षेत्र, यहाँ पे हमें अगर अपनी समस्याओं का समाधान करना होगा तो थोड़ा समय लगेगा। उस समय के लिए एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एक बार फिर जयराम ठाकुर और एक बार फिर हीरा लाल, यही आपसे निवेदन करना है मित्रों। जो जो मांगे रखी है, जो ग्राउंड की मांग रखी है, जो खू की मांग रखी है, जो जो आपने डिमांड रखी है, मैं और हीरालाल जी आज मैं यही इनके पास रुकूंगा। इनको बैठ के मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं यहाँ से खाली हाथ जाने वाला नहीं हूँ। ठीक ठाक धनराशि यहाँ पे देके जाऊंगा। और जो ग्राउंड की बात की है, उस ग्राउंड के लिए भी ठीक पैसे दे कर जाएंगे। मैंने विभाग के सारे अधिकारी यहाँ पे बुलाए हुए हैं और जो हमारा महिला मंडल यहाँ बैठा हुआ उसको एक सामुदायिक भवन जो चाहिए उसके लिए मैं 11 लाख रुपए की घोषणा कर रहा हूँ कि उनको सामुदायिक भवन हम उसमें देंगे। और जो जो कार्य इनके करने वाले, जो रेस्ट हाउस के इनका निर्माण है, उन सब की अनुमति आदरणीय मुख्यमंत्री जी से लेकर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ हीरालाल जी को मालोमाल करेंगे। इस बात की मेरी गारंटी है। अगले बारी आपने हीरालाल को मालोमाल करना, ये आपकी गारंटी है। भारत माता की।